चिंटू का काम हुआ आसान। भाग दो, उत्तोलकों के प्रकार। उत्तोलक यानी लिवर एक सरल मशीन है। उत्तोलक में भार वाली भुजा यानी लोड आर्म, प्रयास वाली भुजा यानी एफर्ट आर्म और एक आधार यानी फलक्रम होता है। जब दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो भार को उठाने के लिए उसके बराबर ही बल लगाना पड़ता है, लेकिन अगर प्रयास वाली भुजा की लंबाई भार उठाने वाली भुजा से दोगुनी कर दी जाए तो केवल आधा बल लगाना पड़ता है। अगर प्रयास वाली भुजा को भार उठाने वाली भुजा से 10 गुना ज्यादा लंबा कर दिया जाए तो भार से 10 गुना कम बल लगाना पड़ेगा, लेकिन व्यवहारिक कारणों से भुजा को ज्यादा लंबा बना पाना संभव नहीं है। Oh, no. आधार, भार और प्रयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलकों की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी के उत्तोलक में आधार बीच में होता है और प्रयास व भार इसके दोनों ओर होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आधार और प्रयास दो छोरों पर होते हैं और भार बीच में होता है। क्योंकि प्रयास वाली भुजा भार वाली भुजा से लंबी है, इसलिए भार से कम बल की जरूरत होती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आधार और भार दो छोरों पर होते हैं और प्रयास बीच में होता है। हालांकि प्रयास वाली भुजा भार वाली भुजा से छोटी होती है, यह उत्तोलक सुविधाजनक होने के कारण काफी उपयोगी है। मशीनें हमें कम प्रयास में अधिक कार्य करने में मदद करती हैं।